केवाईसी अपडेट की डेडलाइन 6 महीने बढ़ाई। पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे या ऐसे ही अन्य पेमेंट वॉलेट ऐप इस्तेमाल करने वाले कई यूजर्स की परेशानी भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 6 महीने के लिए टाल दी है। आरबीआई ने इन ऐप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के केवाईसी पूरे करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 29 फरवरी 2020 तक कर दी है। गूगल पिक्सल फोन के लिए आधिकारिक रूप से जारी हुआ एंड्रॉइड 10 इन मायनों में है खास। गूगल पिक्सल फोन के लिए आधिकारिक तौर पर मंगलवार को एंड्रॉइड 10 जारी कर दिया गया है। गूगल का दावा है कि इस साल एंड्रॉइड 10 पर उपकरणों को लॉन्च करने या अपग्रेड करने के लिए वह पार्टनरों के साथ काम कर रहा है। उम्मीद भी की जा रही थी कि एंड्रॉइड का यह संस्करण पहले की तुलना में अब तेजी से आएगा। फेसबुक ने सभी के लिए जारी किया फेस रिकॉग्निशन, लेकिन हटा दिया यह खास फीचर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने फेशियल रिकॉग्निशन फीचर को सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया है। हालांकि कंपनी ने इसमें से टैगिंग फीचर को हटा दिया है। फेसबुक ने अपने इस फेस रिकॉग्निशन फीचर को पिछले साल ही पेश किया था। 6,999 रुपए में लॉन्च हुआ यह फोन 3 रियर कैमरे के साथ मिलेंगे 64 GB की स्टोरेज। स्मार्टफोन कंपनी इन्फिनिक्स ने भारत में अपना एक सस्ता और तमाम फीचर्स से लैस स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 8 लॉन्च किया है। इन्फिनिक्स हॉट 8 स्मार्टफोन की कीमत महज 6,999 रुपए है और इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट से होगी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।